कर्ण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहिए कि राशियों के हिसाब से वो कौन सी राशियां होंगी जिनके सितारे आज कमोडिटी बाजार में चमकने वाले हैं, किन राशियों में आज अच्छा मुनाफा लिखा है? अखिलेश जी और मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधु, देखिए भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्व यानी 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की जो राशियां है 1, 5, 9 या जो कि त्रिकोण के अंदर काल पुरुष के अंदर होती है, यानी मेष, सिंह और धनु राशि, इन राशियों के अंदर आज संभावनाएं मिश्रित रूप की बन सकती है और इसके अंदर आप बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की संभावना उनके लिए नहीं रहेगी, एक कदम आगे एक कदम पीछे की स्थिति रह सकती है। एक विशेषता, बड़े सौदों से उनको बचना चाहिए क्योंकि ये अग्निकारक राशियां अक्सर बहुत तीव्र निर्णय लेने के लिए विशेष इनका स्वभाव होता है, लेकिन कई बार बाजारों के अंदर धैर्य रखना उचित रहता है। तो मिश्रित रूप की संभावना है मेष, सिंह और धनु राशि के लिए। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां 2, 6, 12, 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, इन राशियों के लिए आज का दिन अच्छा रह सकता है। धैर्य इनकी जो ताकत है, सही समय पे सही निर्णय धैर्य से लेने की जो इनकी खासियत है, वो आज मुनाफा दिलाने की स्थिति में रह सकती हैं। लेकिन छोटी अवधि के व्यापारी कारोबारी विशेष ध्यान दें, मुनाफा तुरंत वसूल कर लें। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशियां हैं। तेज निर्णय, तेज दिमाग और तुरंत भापने की जो इनकी शक्तियां हैं वो अक्सर इनको लाभ दिलाती है। ज्ञान के साथ साथ तेज 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 निर्णय इनकी विशेषता होती है। तो दोस्तों 3, 7, 11 आज विशेष फायदा दिला सकती है अपने जातकों को और आज ये मुनाफा कमाने की स्थिति में रहेंगे। 4, 8, 12 जल तत्व की राशियां, धैर्य, धैर्य के साथ साथ में ये बहुत शांत राशियां होती हैं, ये बिल्कुल जल्दी से गुस्से में नहीं आती हैं और अधिक इनको गुस्सा बनता है इनका तो बहुत धीरे धीरे बनता है, और बाजारों के अंदर जो ये निर्णय लेते हैं बहुत सोच समझ के बहुत धीमी गति से लेते हैं, तो अतः कई बार धीमी गति से लिए गए निर्णय परेशानियों का सबब बन जाता है। यदि मान लो, उसका उदाहरण दे रहा हूं, यदि मान लो आपको कोई कमोडिटी जींस के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये गिर सकती है, लेकिन वो जब तक वो गिर नहीं जाती है पूरी तरह से, जब तक वो उसको देखते रहते हैं, ये उनकी कई बार ये परेशानियों का सबब बन जाता है कि अभी वो वापस आ जाएगा, अभी आ जाएगा, थोड़ा सा रुक लेते हैं, देख लेते हैं, कर लेते हैं, इस तरह की उनकी कई बार ये समस्या हो जाती है। तो 4, 8, 12 यानी जल तत्व की राशियों के लिए परेशानियों का सबब बन सकता है। आपकी धुलमुल नीतियां कई बार आपको परेशान कर देंगी, तो इसलिए बचना चाहिए। ये था राशियों के आधार पर आज का नफा नुकसान। जी अखिलेश जी, जी